साथियों नमस्कार, समाधान इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी बेंगाबाद में हैं और समाधान की टीम एक खबर के लिए जा रही थी। रास्ते में एक बैनर देख के हम लोग को रुकने का मन कर गया, क्योंकि बैनर में ही कुछ दिलचस्प बातें लिखी थी। बेंगाबाद प्रखंड में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अपने बैनर में उन्होंने लिखवाया है गांडे विधानसभा के भावी विधायक। साथ ही उनका ये भी कहना है कि वो भावी मुख्यमंत्री भी हैं। इनका बैनर देख के ही एक न्यूज़ आप सबों के सामने परोसने का दिल कर गया। आप भी इस न्यूज़ को देखिए और उनसे आपको आज मिलवाएंगे भी, क्या ये दिलचस्प बात है कि हमारे बेंगाबाद से, गांडे विधानसभा क्षेत्र से, क्या अगला विधायक हमारे सुरेंद्र लाल जी होंगे। देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बैनर है। इस बैनर में लिखा हुआ है सुरेंद्र कुमार लाल, सामाजिक कार्यकर्ता भाजपा बेंगाबाद। ये भावी विधायक गांडे विधानसभा लिखते हैं और भावी मुख्यमंत्री झारखंड सरकार लिखते हैं। और ये लोगों के लिए काम भी करते हैं, LIC, पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं प्रखंड सह अंचल संबंधित सभी कामों के निवारण हेतु आदर्श नगर नियर बेंगाबाद पोस्ट ऑफिस के सामने कार्यालय में सादर आमंत्रित है। यानी ये यहाँ पे काम करते हैं। तो चलिए इनसे मिलते हैं। इनका एक कार्यालय है यहाँ पे, वो बैठे हुए हैं और ये कार्यालय है सुरेंद्र कुमार लाल जी का। और सुरेंद्र कुमार लाल जी, आपसे मिलने के लिए आए हैं और आपसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। आप ये जो बाहर बोर्ड लगा के बैठे हैं भावी विधायक का, उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ये आप विधानसभा के चुनाव इस बार लड़ने वाले हैं? हाँ, मैं 8 जुलाई जी, पिछले साल 2008 जुलाई को रामगढ़ में रहता था जी। मैं घर में पूजा था, इसी काम से वहाँ से आया जी। और आने के बाद फिर मैं वापस पुनः लौट के गया था LIC का पॉलिसी लेकर, हजारीबाग ब्रांच। लेकिन पुनः वापस चलाया मैं लौट के 15 तारीख और 16 तारीख से अपना कर दिया LIC का भी काम। और राजनीति का मैं कभी सपना भी नहीं सोचा था, लेकिन मैं राजनीति की ओर भी मुझे खींचे चलाया। और 21 जुलाई को, दिन शनिवार को, फुरसोडी में एक बहुत बड़ा मानवाधिकार के द्वारा प्रोग्राम हुआ था, जिसमें श्री सुरेंद्र कुमार झा SP के साथ मैं 3 घंटा उनके साथ प्रोग्राम किया और वहीं से मैं चमकना शुरू किया। लेकिन यहाँ के लोग हमें बहुत तरह का, नाना प्रकार का बोलते रहे, मैं किसी के बातों पर नहीं आया। और मैं शुरू से यही सोच के चला कि मैं भावी विधायक गांडे विधानसभा से फाइटिंग करूँगा और मुख्यमंत्री का भी कुर्सी लूँगा। तो सभी जनता का भी कहना है, पूरे झारखंड राज्य के जनता का, कि अगर नया चेहरा नहीं आया रघुवर दास के छोड़कर, तो हम लोग जिस तरह से लोकसभा में वोट दिए उस तरह से नहीं वोटिंग जाएगा। तो ये आप जैसे, आप BJP का ये जो आप धारण किए हुए हैं, आप BJP लिखते हैं कि भाजपा के आप जो है सो कार्यकर्ता हैं, तो ऐसे में अभी भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी, आपको क्या लगता है उनके बदले आपको भाजपा टिकट देगी? हाँ, हमें पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने 5 साल के अंदर पूरे गांडे विधानसभा क्षेत्र में किसी तरह का कोई काम नहीं किए विकास का। अभी जब चुनाव का माहौल आया है तो कुछ कुछ करके दिखा रहे हैं। तो इतना आज के डेट में जनता बेवकूफ़ नहीं है, या ऊपर वाले जो टिकट देने वाले हैं उनके, तो आपकी किसी से, किन्हीं से बात हुई है? हाँ, आला अधिकारी, हमारे आला अधिकारी श्री लक्ष्मण गिलुआ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आला अधिकारी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा, आला अधिकारी जो हम लोग के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, आला अधिकारी अमित शाह, आला अधिकारी आदित्यनाथ योगी, सभी से हमारा ताल्लुकात है। और अन्नपूर्णा देवी जो राष्ट्रीय जनता दल में थे, उनको मैं इस पार्टी में लाने का समझाया और वो आए और इतना भारी बहुमत से उन्हें जिताए कि जो बिहार में रामविलास पासवान लाया करते थे 4.5 लाख वोट, मैंने बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सारे जगह को तोड़ते हुए रिकॉर्ड बना के दिखा दी। 7.5 लाख प्लस मैं बोला था, लेकिन 7.5 लाख मेरे तीन। आप मतलब आपका ये कहना है कि इस बार आप विधानसभा के चुनाव लड़ने वाले हैं और भाजपा के आप उम्मीदवार होंगे गांडे विधानसभा क्षेत्र से, और आप ये भी कह रहे हैं कि, और जब आप विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे तो आप मुख्यमंत्री के भी भावी उम्मीदवार हो सकते हैं, ये आपका कहना है? तो ऐसे में आप अभी वर्तमान में जनता के लिए क्या क्या काम करते हैं? जनता के लिए मैं LIC का काम करता हूं और ज़्यादा मैं अभी आधार कार्ड के लिए काम हो रहा था मेरा बेंगाबाद प्रखंड
मुख्यालय में, लेकिन वहाँ बंद हो गया था किसी कारणवश। तो वहाँ मैं नंबर लिख के रखा था तो लोग मुझे फ़ोन करते थे। जी, तो आपकी अभी विधानसभा के चुनाव की तैयारी चल रही है? हाँ, विधानसभा की चुनाव की तैयारी चल रही है। टिकट भाजपा के टिकट पे आप लड़ेंगे चुनाव? हाँ। तो काफ़ी दिलचस्प इंसान हैं हमारे सुरेंद्र लाल जी, और ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, लोगों के लिए काम भी करते हैं, और इनका कहना भी है कि हम भाजपा के उम्मीदवार हैं गांडे विधानसभा क्षेत्र से, और उनका ये भी कहना है कि इनके आला अधिकारियों से लगातार बात हो रही है, और इनका ये भी कहना है कि झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लक्ष्मण गिलुआ जी, इनसे भी इनकी बात हुई है टिकट को लेकर। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने